Hi everyone and welcome back to my YouTube channel. So in my previous video, I shared that my skin has been improved than before and I have changed all my skincare products and मैंने जो अभी मतलब मैं जो अभी products use कर रही हूँ वो मुझे suit भी अच्छे से हो रहे हैं and you guys wanted me to share my skincare with you, so here we are. You must have noticed that मुझे काफी सारे breakouts थे मेरे skin पे. And when I changed my skincare products, my skin has been improved and I am really happy with the results. So I am going to share my skincare with you. So as soon as I wake up, I wash my face with normal tap water and apply nothing on my face because हमारी skin को breathe करने की काफी ज्यादा जरूरत होती है. And पूरे दिन में हम इतने सारे products लगाते हैं, इतने सारे makeup लगाते हैं. So I really want my skin without anything. Then after half an hour, I use face wash to clean my face. So Dermacoca foaming face wash, which is really good for oily skin and also acne prone skin. So and then just applied. Also, let me tell you guys that this is not a sponsor video. I am just sharing my skincare with you. Also, you can see the glow after face wash. Next, I use Cetaphil toner. Toner actually helps to absorb the moisturizer. Yeah, apply it on your neck as well. Then I use vitamin C serum again from Dermaco, and it's actually good for dark spots and pigmentation. So I'm going to apply it. Then I use this sunscreen again from Dermaco. पहले मैं सनस्क्रीन बिल्कुल भी यूज नहीं करती थी बिकॉज मुझे ऐसे चिपचिप पसंद नहीं आता था, लेकिन सनस्क्रीन इज एक्चुअली इम्पोर्टेंट फॉर योर स्किन. इवन इफ आई हैव टू सिट एट होम, आई अप्लाई सनस्क्रीन एंड दिस इज रियली इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ योर स्किन केयर. समटाइम्स आई कीप चेंजिंग माई प्रोडक्ट्स, जैसे सूट होगा वैसे. एंड सनस्क्रीन के बाद आई स्टार्ट डूइंग माई मेकअप. एंड आई ऑल्सो फॉरगेट टू टेल यू गाइज दैट आई कीप ऑन ट्राइंग होम रेमिडीज अगर मुझे सुबह टाइम मिलता है तो. मेरे पास इतने सारे शीट मास्क है, मतलब बहुत सारे है, तो इसमें से मैं कुछ भी सुबह अगर टाइम रहेगा तो लगा लेती हूँ, अगर नहीं रहेगा तो शाम को लगाती हूँ. सो फिलहाल के लिए मेरा मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन इतना ही है, अगर मैं कुछ भी चेंज करूंगी तो आई लेट यू नो. सो लेट्स जंप इनटू नाइट स्किन केयर रूटीन नाउ. मॉर्निंग एंड नाइट स्किन केयर मैं एक ही वीडियो में बना रही हूँ, तो आई नीड टू वॉश माई फेस जो मैंने पहले प्रोडक्ट यूज किए थे. पूरे दिन का मेकअप रिमूव करने के लिए आई यूज दिस बायोडर्मा का मिसलिनियर वॉटर, ये ऑलमोस्ट खत्म होने आया है. समटाइम्स आई यूज स्टूडियो वेस्ट का वाइप ऑफ एंड समटाइम्स आई यूज गार्नियर का मिसलिनियर वॉटर, ये तीनों भी मुझे सूट करते हैं, सो आई यूज दीज. देन इसके बाद आई यूज फेस वॉश जो मैंने मॉर्निंग स्किन केयर में दिखाया था, सेम द डर्माको फेस वॉश, ये यूज करती हूँ मैं. एंड देन तो मैं शाम को फेस मास्क यूज करती हूँ. वी आर गोइंग टू यूज इट नाउ. वाओ, द स्मेल इज सो गुड. सारे शीट मास्क फ्रिज में स्टोर करती हूँ ताकि ठंडा ठंडा लगे लगाने पर. एंड आई रियली लव अप्लाइंग शीट मास्क. ठंडा ठंडा है. लेट्स कीप दिस फॉर 20 मिनट्स एंड देन रिमूव इट ऑफ. माय मॉम गेव मी चकली एंड शिवड़ा, सो आई एम ट्राई टू ईट दिस. अगर हो पाया तो let's take this off now and keep this side. बाद में थोड़ा मसाज भी कर लेती हूँ. I feel so good after this. This is actually good for blood circulation. तो मैं जब भी मास्क लगाती हूँ उसके बाद मैं ये यूज करती हूँ. I use this at least for 5 minutes. इसके बाद I use Dermaco का retinol cream. It's of 3%. मार्केट में 2% वाला भी मिलता है. सॉरी नॉट 2%, 1% वाला भी मिलता है. आप इसका पहले पैच टेस्ट कर लो बिकॉज दिस इज वेरी मच स्ट्रॉन्ग 3% वाला. तो आई यूज इट रात को सोने से पहले. आई यूज दिस एंड अप्लाई इट. दिस क्रीम इज एक्चुअली गुड फॉर एक्ने प्रोन स्किन. आई एम यूजिंग दिस क्रीम फ्रॉम अ मंथ एंड ऑलमोस्ट मेरी खत्म भी होने आई है एंड 3% मुझे सूट हो रहा है. तो अगर आप यूज कर रहे हो तो प्लीज पैच टेस्ट कर लेना बिकॉज ये क्रीम बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है.
दिस क्रीम एक्चुअली हेल्प्स टू रिमूव ऑल द ऑयल फ्रॉम योर स्किन एंड मेक्स इट ड्राई एंड योर स्किन पील भी कर देती है. तो आई सजेस्ट कि आप पहले 1% वाला ही यूज कर लो. दिस सीरम इज एक्चुअली बेस्ट फॉर एक्ने प्रोन एंड ऑयली स्किन बिकॉज पूरा स्किन ड्राई कर देता है एंड ड्राई की वजह से पिंपल्स कम आते हैं. एंड व्हेनेवर आई हैव टू डू मेकअप बाद व्हेनेवर आई सी कि डेड स्किन कुछ ज्यादा ही है, मतलब ऐसे बाहर मतलब पूरी निकलती भी नहीं है, ऐसे फूटी फूटी दिखती है ना, तो आई यूज दिस द बॉडी शॉप का विटामिन सी लिक्विड पील. इट इज द बेस्ट प्रोडक्ट बट आई डोंट यूज दिस रेगुलरली. आई यूज दिस वंस इन अ वीक और जब भी मुझे लगता है कि डेड स्किन कुछ ज्यादा ही है देन ओनली आई यूज दिस. आई विल शो दिस ऑन माई हैंड. अरे दिस प्रोडक्ट विल स्टार्ट रिमूविंग योर डेड स्किन एंड मतलब मेरे हाथ पे भी अभी डेड स्किन थी विंटर की वजह से. आई डोंट नो वेदर यू कैन सी इट और नॉट बट सारी डेड स्किन ये ऐसे हटा देता है. दिस इज द बेस्ट प्रोडक्ट बट डोंट यूज इट एवरी डे वरना पूरी स्किन ही निकल जाएगी. देन इसके बाद आई अप्लाई आईलैश ग्रोथ सीरम. मेरी आईलैशेस एक्चुअली बहुत ज़्यादा छोटी है तो दिस इज द बेस्ट प्रोडक्ट. आई एम यूजिंग दिस सिंस अ ईयर एंड आई कैन सी द रिजल्ट्स. मेरे आईलैशेस अभी काफ़ी सारे थिक एंड ग्रोथ भी अच्छी हुई है तो आई यूज दिस एंड या दैट्स इट. एक्चुअली माई स्किन इज टू सेंसिटिव सो अगर मैं कभी भी प्रोडक्ट्स चेंज करती हूँ या फिर कुछ भी नया ट्राई करना होता है आई फर्स्ट डू अ पैच टेस्ट एंड देन ओनली स्टार्ट यूजिंग इट. या एंड वन मोर थिंग ऑल्सो आई यूज सेसडर्मा का लिपोसोमल. आई डोंट नो वेदर आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट. लिपोसोमल सीरम. माई डोमेट सजेस्टेड मी टू यूज दिस. इट्स एक्चुअली गुड फॉर रिड्यूसिंग डार्क स्पॉट्स. सो जब भी पिंपल्स नहीं होते एंड सिर्फ डार्क स्पॉट्स होते तो आई यूज दिस एंड दैट्स इट फॉर टुडे. इफ आई चेंज एनीथिंग देन आई डू लेट यू नो एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस. इफ यू लव दिस वीडियो देन प्लीज लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल. टिल देन बाय बाय. मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो.